एवरीवन, पूर्विस क्रिएटिव फूड लैब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज एक फिर नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो एक सूप रेसिपी है। जी हाँ, आज हम मानचाओ सूप बनाने वाले हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बनाते हैं मानचाओ सूप। सूप बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें लिया है ऑलिव ऑयल। इसके अंदर डालेंगे हम ये है गार्लिक, इसके अंदर जाएगा ग्रीन चिली और अदरक, और इसके अंदर ये है सेलेरी के स्टिक्स। अगर सेलेरी की स्टिक्स नहीं है तो आप कोरिएंडर की स्टिक्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जो कोरिएंडर की डंडी आती है इसे काट कर इसमें डाल सकते हैं आप। इसे अच्छे से हम सौते करेंगे। ये देखिए अच्छे से सौते हो गए हैं। इसके अंदर मैं गरम पानी डाल रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे वेजिटेबल स्टॉक नहीं है इसलिए मैं गरम पानी डाल के ये बना रही हूँ। आपके पास वेजिटेबल स्टॉक है तो आप इसे वेजिटेबल स्टॉक के साथ ही बनाएं। थोड़ा और गरम पानी डाल रही हूँ मैं। इसे अब उबालेंगे हम। थोड़ा एक उबाल आ जाए इसके अंदर, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कैरेट्स, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन्स और कैबेज। इसे हम मिक्स करेंगे। आप इसके अंदर अगर मशरूम खाते हैं तो मशरूम डाल सकते हो। हम घर पे मशरूम नहीं खाते हैं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ही सॉल्ट डालूंगी क्योंकि इसके अंदर हम अभी सोया सॉस डालने वाले हैं। बाद में हम टेस्ट करके अगर जरूरत पड़ी तो वापस सॉल्ट डालेंगे। अब इसे हम 2 से 5 मिनट के लिए इसे उबालेंगे। इसे ये उबल रहा है, मैं हमेशा इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसे पकाती हूँ। मैं कभी भी आजिनोमोटो कभी यूज नहीं करती हूँ। ये ऐसे अच्छे से पक जाता है और ये थोड़ा क्रंची भी रहता है वेजिटेबल्स अंदर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, ये डार्क वाला सोया सॉस है। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये व्हाइट पेपर पाउडर है। इसे हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा लाइट सोया सॉस डालूंगी मैं। इसमें डालेंगे कोरिएंडर्स, इसमें जाएगा थोड़ा सा विनेगर, और इसमें जाएगा ग्रीन अनियन। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। अगर सॉल्ट चाहिए हमें तो मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए मुझे इसमें, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा सॉल्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पाउडर और पानी डाल के इसे इसमें स्लरी बनाई है जिसे मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ।
अब इसे मैं 2 मिनट के लिए उबलने दूंगी और फिर इसे हम बंद करके सर्व करेंगे। सर्व कर रहे हैं, इसमें भर के इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये फ्राई किया हुआ नूडल्स। ये देखिए हमारा मानचाओ सूप रेडी हो गया है दोस्तों। इसे आप घर पर जरूर ट्राई करें, ये पीने में बहुत मजा आता है। गर्मा गर्म इसे सर्व करें और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें और आपके कमेंट्स पूर्वी क्रिएटिव फूड लैब पर जरूर लिख कर भेजें। थैंक यू दोस्तों।